और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। कार बाइंग से रिलेटेड आप लोगों ने मुझे कई बार क्वेश्चंस पूछे कि कार बाइंग एक्सपीरियंस दिखाएं, कार कैसे बाय करते हैं यूएस में वो बताएं। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि कार बाइंग का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो कैसा रहता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कितने की गाड़ी पड़ती है, क्या क्या देखना चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले, वो सब देखते हैं। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ फोर्ड के एक शोरूम में, जहाँ पे किया वगैरह की गाड़ियाँ भी हैं। फोर्ड का मेन शोरूम है और बाकी गाड़ियाँ भी ये लोग सेल करते हैं, प्री ओन्ड व्हीकल्स। तो इनके बारे में भी आपको बताऊँगा और क्या क्या अदर ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। बट अभी चलते हैं अंदर की ओर, और क्योंकि मास्क रिक्वायर्ड है तो मास्क पहन लेता हूँ। वो गाड़ी के लिए बुकिंग की है, वो है किया की गाड़ी, हाँ SUV है, तो वो भी देखते हैं। हाय गाइस, यस दीज आर माय फ्रेंड्स। तो बस यहाँ अभी एंट्री किया है मैंने, और जो एजेंट हैं जिनसे हम गाड़ी खरीदेंगे, जो हमें पूरा बताएंगे गाड़ी के बारे में, वो अभी बिजी हैं। तो हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स। एंड इसके बाद जो हमारी गाड़ी है किया की SUV, जिसको हम देखने के लिए आए हैं, वो लेके आएंगे पीछे से। और ओवरऑल कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा सा है, और जगह जगह आप अगर सामने देखें तो स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पे आप जाएंगे। प्री ओन्ड व्हीकल लेने का एक फ़ायदा ये है कि यहीं पे लोन जो है वो सामने ही अप्रूव हो जाता है, और US में क्रेडिट हिस्ट्री आपको मेंटेन करना पड़ती है जिसके थ्रू वो लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वो सभी जो पूरी प्रोसेस है लोन लेने की, वो यहीं पर हो जाती है। 7-8 कम से कम इनके पास गेस्ट जो स्टेशन बने हुए एजेंट्स के, उनके थ्रू। तो ये प्री ओन्ड व्हीकल में एक और फ़ायदा ये है कि गारंटी वगैरह थोड़ी देते हैं, व्हीकल की क्लीन करते हैं, मेंटेन करते हैं। अदर ऑप्शंस जो हैं गाड़ी ख़रीदने के, उसमें जहाँ से मैंने गाड़ी ली है वो है मार्केट प्लेस। तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से गाड़ी ख़रीदी थी, उसमें कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं होता है। पर यह है कि अमेरिका में यूजुअली गाड़ियाँ रोड्स क्योंकि अच्छी हैं और बहुत ख़राब नहीं होती हैं, तो सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदना बहुत एक प्रेफरेबल वे होता है। बहुत लोग कम होते हैं जो नई गाड़ी ख़रीदते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको गाड़ी मिल जाती है। तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से ख़रीदी थी, और लोन के लिए क्रेडिट यूनियन का यूज़ किया था। उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी और डिटेल दूंगा कि लोन वगैरह कैसे वर्क करता है। पर अभी यहाँ बैठा हूँ, जैसे ही एजेंट फ्री हो गए हमें गाड़ी की तरफ लेके जाएंगे। सो अभी ड्राइवर्स लाइसेंस ले लिए हैं हमारे, जो भी ड्राइव करना चाहते हैं तो अपना ड्राइवर लाइसेंस दे रहे हैं, ताकि हम लोग टेस्ट ड्राइव कर पाएँ गाड़ी को। सो चलते हैं गाड़ी देखने के लिए और टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सिस्टम में अभी उन्होंने कुछ खास डिटेल नहीं लिया है, सिर्फ ड्राइवर्स लाइसेंस दिया और गाड़ी की चाबी हमको दे दी है कि आप लेके जाएं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर। जैसे हमारे यहाँ होता है कि साथ में कोई चलते हैं शायद टेस्ट ड्राइव पर इंडिया में। मैंने इंडिया में कार नहीं खरीदा है, बट मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने चाबी दे दी है, लाइसेंस की फोटोकॉपी ले ली और बोला कि जाओ गाड़ी लेके। तो अभी बस हम लोग जा ही रहे हैं, गाड़ी देखते हैं, ड्राइव करते हैं, पसंद आएगी तो खरीदते हैं। इस शोरूम में ये लोग नई गाड़ी भी ये लोग बेचते हैं, और मोस्ट ऑफ द शोरूम्स ऐसे ही होते हैं कि आपको प्री ओन्ड व्हीकल्स मिल जाते हैं, और या फिर आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो क्योंकि फोर्ड की डीलरशिप है, तो फोर्ड की गाड़ियां आपको मिल जाएगी नई, और बाकी गाड़ियां ये लोग सेकंड हैंड वगैरह बेचते हैं, जैसे कि सामने लेक्सस खड़ी है, या और अदर जो गाड़ियां हैं मित्सुबिशी और ये सब ब्रांड्स जो है ब्यूइक वगैरह, इनकी गाड़ियाँ हैं। फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदने का ऑप्शन होता है। सिमिलर इसी एजेंसी, इस तरह की एजेंसी में आएँ और लोन वगैरह प्रोसेस करें, या पूरा कैश पेमेंट, या जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं वो करें, एंड यू कैन बाय अ न्यू कार। बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस यही बताऊंगा कि हमेशा सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें अगर मॉनेटरी आप जो बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि एनी वे इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो कार हमेशा सेकंड हैंड लें, स्पेशली US में, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी मिलती है आपको। सो दैट्स, ये हमारी गाड़ी है जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। किया सोरेंटो है, 2011 की SUV है। सो 2011 का SUV है, और इसका प्राइस है $12,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। सो टैक्स वगैरह मिला के अराउंड 9 लाख तक जाएगी, पर देखते हैं फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। Just regular halogen headlights on the Fiesta, right? Yeah. Ones that you have to switch out maybe every 5 years, something like that. So these are HIDs, okay, which stands for high intensity diode. So those are the ones you see on the road that are a lot brighter white. We'll show you that and let you know what it all does. You should take into a part about it is no big issues, no big cracks, no big leak spots, nothing that has. So अभी just वो बाहर आए हैं और गाड़ी की चाबी लेके। हमने उनको बोला कि थोड़ा सा गाड़ी के बारे में पहले बता दें, इसलिए वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम नहीं बोलते तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, चाबी देते हैं और आप लेके जाओ। तो अभी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं गाड़ी के बारे में। ऐसे वो मतलब बाकी गाड़ी की कंपैरेटिवली अच्छी है, तो ये है। बट ओवरऑल गाड़ी में ये है कि बड़ी है, SUV है, सोरेंटो है किया की,
और मेन जो चीज़ हम जानना चाहते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है जब भी आप गाड़ी खरीदें यूएस में कि माइल्स आपको देखना होते हैं कितने माइल चली हुई है. तो ये गाड़ी अराउंड 70,000 माइल चली हुई है यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 100,000 किलोमीटर. 100,000 किलोमीटर चली हुई है, 2011 की गाड़ी है एंड एसयूवी है और ओवरऑल प्राइस इसका लगभग 9 लाख के अराउंड पड़ रहा है, 8 लाख 9 लाख, विच इज़ नॉट अ बैड प्राइस. यही चीज़ अगर आप मार्केट प्लेस से ख़रीदते हैं, जैसा कि मैंने खरीदी अपनी गाड़ी मार्केट प्लेस से, तो आपको ऑलमोस्ट $2,000 से $3,000 या $4,000 कम में पड़ती है. तो सिमिलर गाड़ी आपको $8,000 तक पड़ जाएगी 12 की जगह पे, क्योंकि मार्केट प्लेस पे जो ऑफकोर्स ये बात है कि एजेंट कमीशन नहीं लगता है और सेलर जो है वो सेल करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेते हैं. काफ़ी ज़्यादा आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के कारण आपको गाड़ी का प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है, बट उसके लिए आपको बेनिफिट ये है कि थोड़ी सी आपको गारंटी मिलती है. तो वो ट्रेड ऑफ आपको देखना पड़ता है. पर जैसा मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ अच्छी रहती हैं कंडीशन में, तो मार्केट प्लेस से खरीदना मैं प्रेफर करता हूँ. अगर आपको लगता है कि ओनर ठीक ठाक है तो आपको ओनर को चेक करना चाहिए अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं मार्केट प्लेस से, कि ओनर क्या करते हैं और किस तरह से उन्होंने गाड़ी का यूज़ किया है और कितने माइल्स हैं. अगर माइल्स कम हैं तो बहुत अच्छा है, जितने कम माइल्स उतना अच्छा है आपकी गाड़ी के लिए. तो उस तरह से गाड़ी मैंने खरीदी थी. अभी चलते हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए. And then you should have some storage spaces under there, and then the spare is mounted under here. Okay. So, अभी गाड़ी क्लीन नहीं किया उन लोगों ने, तो क्लीनिंग को उन्होंने बोला हम डाल देंगे अगर आपको पसंद आती है तो. इसलिए गाड़ी का इंजन वगैरह पे डस्ट है, थोड़ी सी अंदर से क्लीन नहीं है. और क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए, श्वेता को जल्दी खरीदना था, हम लोग जल्दी यहाँ पे आए, इसलिए गाड़ी क्लीन नहीं कर पाए वो लोग. पर वो लोग करेंगे अगर हम पसंद कर दें गाड़ी को. तो अभी उन्होंने सारे फीचर एक्सप्लेन किए फ्रंट से बैक तक में, और टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं. अभी टेस्ट ड्राइव के लिए आ गए हैं. चेतन इज ड्राइविंग. तो अभी टेस्ट ड्राइव कंप्लीट की है. गाड़ी का माइलेज उन्होंने बताया 25 माइल्स है, जो कंबाइंड माइलेज है हाईवे और उसका. तो 25 माइल्स पर गैलन यानी कि 3.5 लीटर फ्यूल में गाड़ी 40-42 किलोमीटर चलती है. तो विच इज़ प्रिटी मच अराउंड लाइक जैसा इंडिया में होता है हमारे यहाँ 12-15 के अराउंड का माइलेज है, 14-15 किलोमीटर पर लीटर. तो वो गाड़ी का माइलेज है. और अभी वो हमको लोन वगैरह के बारे में बता रहे हैं, टैक्सेस के बारे में बता रहे हैं कि टैक्स वगैरह कैसे देना है. 10% सेल्स टैक्स आपको देना पड़ता है, तो वो हमको देना ही है. और 12,000 की गाड़ी है तो उस पर टैक्स लगेगा. तो अभी हम नेगोशिएट करेंगे प्राइस. यहाँ पे नेगोशिएशन काफ़ी चलता है यूएस में. इंडिया में आई डोंट नो, मैंने क्योंकि जैसा बोला गाड़ी खरीदा नहीं कभी, पर यहाँ पे नेगोशिएशन काफ़ी चलता है. यू कैन नेगोशिएट $1,000-$2,000, तो 1.5 लाख रुपये ऐसे ही नेगोशिएट हो जाता है. तो वो करते हैं अभी. यहाँ पे गाड़ी खरीदने से पहले KBB वैल्यू होता है, केली ब्लू बुक वैल्यू हर गाड़ी का. तो अगर आप गाड़ी का VIN नंबर जो होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उस वेबसाइट पे डालते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि KBB वैल्यू गाड़ी का कितना है और गाड़ी का पूरा जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या है, जितना भी पूरा फीचर्स है वो सभी उस वेबसाइट पे आ जाते हैं. तो अभी कारफैक्स बोलते हैं एक दूसरी वेबसाइट जो आपको हमेशा चेक करना चाहिए, रिपोर्ट होती है. तो अभी कारफैक्स चेक करने गए हैं, कारफैक्स की रिपोर्ट लेके आएंगे. KBB वैल्यू जो होती है, केली ब्लू बुक वैल्यू, वो इस गाड़ी का 10,500 से लेकर 12,500 या 13,000 तक, 10,500 से लेकर 13,000 तक की रेंज में इस गाड़ी का प्राइस है एज़ पर स्टैंडर्ड मार्केट जो अमेरिकन मार्केट है. अभी ऑलरेडी गाड़ीज़ जो है, कार्स जो है, वो शॉर्टेज में, इसलिए सेकेंड हैंड गाड़ियों का प्राइस थोड़ा सा अप है, ऐसा मुझे लग रहा है. पर उतना लगभग इसका प्राइस है. तो अभी हम नेगोशिएशन में हमने डिसाइड किया कि हम 10.5 ऑफर करते हैं उनको, और क्योंकि फिर टैक्स वगैरह लगेगा तो 12,000 जो उन्होंने कोट किया है वो हमें टोटल टैक्स मिला के गाड़ी पड़ जाएगी. तो वो करते हैं अंदर चलकर. Now it does show that it has some damage, and I'll show you what that is. But yes, just one owner, and then it was a personal vehicle and has at least 11 service records, and that was the mileage last time of reporting. Okay, I do know that if it hit a car, it will say accident with another vehicle, and if it hit something else, it usually says accident damage. So ये Carfax report है जो वो explain कर रहे हैं अभी गाड़ी की कि कार को कहाँ रखा गया, कितने ओनर हैं, और एक ओनर है, सिंगल ओनर है, कहाँ पे गाड़ी थी, हर एड्रेस हर डेट के साथ होता है. क्योंकि हर साल हमें रिपोर्ट करना होता है. अगर हम एड्रेस मूव करते हैं अपनी गाड़ी के साथ तो वो भी हमें रिपोर्ट करना होता है कि हमने मूव किया. तो काफ़ी सारे यहाँ पे लॉज एंड वो होते हैं, और कुछ भी चेंज अगर गाड़ी में होता है तो वो कारफैक्स रिपोर्ट पे आ जाता है. तो इसलिए यहाँ पे अगर आप गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी, तो एक तो कारफैक्स रिपोर्ट आपको पूरी मिलती है जो कि काफ़ी ट्रस्टवर्दी होती है. और अगर आप जैसा मैंने बोला मार्केट प्लेस से भी खरीदते हैं तो मार्केट प्लेस से खरीदने पे भी आप कारफैक्स पूरी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं. आई थिंक वो $20 एक व्हीकल की होती है. तो अगर आप गाड़ी फाइनल करने जा रहे हैं तो ₹1,500 की एक रिपोर्ट आप खुद पे करके निकलवा लें ताकि आप श्योर हों कि गाड़ी कैसी है. एक $10 का इंस्पेक्शन भी होता है, $10 का और एक $90 का पूरा इंजन इंस्पेक्शन.
वो भी करवाएं ताकि आप श्योर हों कि गाड़ी पूरी अच्छी है. $10 का बेसिक इंस्पेक्शन, $90 का इंजन इंस्पेक्शन, तो वो भी हम करवाएंगे अगर हम खरीदने फाइनल करते हैं प्राइस अभी नेगोशिएशन के बाद. तो अगर वो अग्री करते हैं तो हम उसका इंस्पेक्शन वगैरह लेंगे गाड़ी का. थोड़ा पैसा अपनी पॉकेट से रखना पड़ता है, बट देन इट्स अ फाइनल डील. Aren't interested in that part. His offer today would be he could sell it for 12 flat, meaning he wouldn't charge you the 500 admin fee. So he would charge you 11.5, then the 500 admin fee. So it would be 12 out the door instead of 12.5. Okay, so negotiation में थोड़ा सा कारफैक्स में एक डैमेज निकला है, हेल का जो बर्फ गिरती है उससे गाड़ी की कहीं बोनेट वगैरह पे. तो हम लोगों ने उनको प्राइस कोट किया 10,000, उन्होंने 12,000 की गाड़ी. 500 एडमिन फी है वो हमें नहीं पता था, तो अभी उन्होंने बताया कि 500 आपका एडमिन फीस देना है. तो हम 10,500 बोल रहे थे, तो हमने 10 बोला क्योंकि 500 हमको वापस सेव करना है. ऑफ़र वो वापस लेके आए हैं, उन्होंने बोला कि अभी सर्विस पे जाएगी गाड़ी, क्लीन होगी पूरी, उसके बाद हम नेगोशिएट कर सकते हैं थोड़ा सा और. बट अभी करंट ऑफ़र जो हमको दे रहे हैं वो है 12,500 एडमिन फी को ऑफ करके. तो हम बोल रहे हैं 10,000, वो बोल रहे हैं 12,000 और नेगोशिएशन चल रहा है. फाइनल डील यहाँ पे ये हुआ है कि उन्होंने बोला हम गाड़ी को सर्विसिंग पे डालते हैं अभी और क्लीन वगैरह होके आएगी. अगर और कोई एक्स्ट्रा पैसा गाड़ी में लगेगा तो हम प्राइस नीचे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी गाड़ी किसी से खरीदी और हमें सेल कर रहे हैं. पर अगर और कोई खर्चा नहीं लगता है तो वो 10,000 तो नहीं पर 10,500 या ऐसा कुछ करके नेगोशिएट करेंगे. बट उन्होंने बोला 2-3 दिन आपको रुकना पड़ेगा. तो ओवरऑल ऐसा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा गाड़ी खरीदने का. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्री ओन्ड व्हीकल खरीदने का, एंड मैंने मार्केट प्लेस से गाड़ी खरीद रखी है. द नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो ड्राइट अवे, आप पूरी गाड़ी फ्रेश न्यू खरीदें, 2020, 2021, 2022 की गाड़ी, और वो भी इसी तरह के शोरूम पे आपको मिल जाती है लोन वगैरह लेके. तो प्रिटी मच स्टैंडर्ड प्रोसेस है. KBB वैल्यू और कारफैक्स हिस्ट्री आपको नहीं चेक करना पड़ती नई गाड़ी पे, ये फ़ायदा है. और 2-3 साल की वारंटी और वो सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सेकेंड हैंड व्हीकल में यही है कि आपको ये सब चेक करना चाहिए अगर आप खरीद रहे गाड़ी. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पूरी जो प्रोसेस है वो समझ में आई हो. क्रेडिट यूनियन के बारे में मैंने बताया था, वो एक लोन लेने वाला एक सिस्टम है कि जहाँ पे आपको 2-3% पे लोन मिल जाता है स्टूडेंट्स को स्पेशली. तो क्रेडिट यूनियन से जनरली स्टूडेंट्स लोन उठाते हैं ताकि कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिल जाता है, और वो कैश पे कर देते हैं, आप वो कैश इनको दे दें और एंड आपकी गाड़ी आपकी हो गई, और फिर लोन उनसे चलता है न कि इनसे. तो इस तरह का क्रेडिट यूनियन का सिस्टम है. पर ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस था. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.